नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। अच्छा, 12वीं की छात्रा ने माँ से मोबाइल मांगा, माँ ने पैसे न होने की बात कहकर मना कर दिया, जिस पर लड़की ने घर पर रखे चूहा मार दवा खा ली और गंभीर हालत में उसे संजय गांधी लाया गया, जहाँ पर उसकी हालत अब बेहतर। कक्षा 12 की छात्रा ने माँ से मोबाइल मांगा, माँ ने नहीं दिलाया मोबाइल तो बच्ची ने खाया चूहा मार दवा। इलाज के लिए पहुंच गई रीवा के संजय गांधी अस्पताल। सिरमौर के पास की एक गांव की रहने वाली है लड़की, कक्षा 12 की छात्रा है, अपनी माँ से बड़े वाले मोबाइल की मांग कर रही थी कई दिनों से। माता पिता ने कहा अभी पैसे नहीं हैं, पैसे आ जाएंगे तो दिला देंगे, घर के हालात फिलहाल अच्छे नहीं हैं। ये बात लड़की को कतई अच्छी नहीं लगी, उसको लग रहा था मोबाइल उसको तुरंत मिल जाना चाहिए। माँ बाप के मना करने के बाद लड़की ने आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश की, घर में रखी चूहा मार दवा को उसने खा लिया। परिवार वालों को जैसे ही जानकारी हुई तत्काल ही सिरमौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, वहाँ से उसको रीवा के संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। इन दिनों मोबाइल ने बच्चों से लेकर बूढ़े तक को पागल कर दिया है, हर व्यक्ति के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल जरूरी हो गया है। घर में खाना हो या ना हो मोबाइल हाथ में होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, फिर चाहे इसका इस्तेमाल वो पढ़ने के लिए करे या गलत काम के लिए, मोबाइल हर हाथ में होना चाहिए। खास तौर से युवा आज का कुछ ऐसा ही सोचता है, परिवार की आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो उसे इस बात से कोई मतलब नहीं, बस हाथ में मोबाइल होना ज़्यादा जरूरी है। आज के दौर में मोबाइल का उपयोग कारोबार से लेकर पढ़ाई लिखाई को बढ़ाने के लिए किया जाता है, वहीं इसका दुरुपयोग भी जमकर हो रहा है। वर्तमान हालात में बच्चे मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, ऐसा ही एक मामला सामने आया रीवा के सिरमौर में, जहां बच्ची को मोबाइल नहीं मिल पाया तो आक्रोश में आकर उसने चूहा मार दवा खा ली। हालत बिगड़ने पर जब परिजनों ने पूछताछ की तो पता चला उसने चूहा मार दवा खा ली है। परिवार वालों को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई वो घबरा गए, तत्काल ही उसे उपचार के लिए पहले सिरमौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, वहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रीवा के संजय गांधी अस्पताल ले जाने के लिए कहा। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराकर उसका उपचार प्रारंभ कर दिया गया है। इस बारे में हमने लड़की की बड़ी माँ से बात की, आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ बताया। उनका साफ तौर से कहना था माँ बाप से मोबाइल मांगा, घर के हालात अच्छे नहीं थे, उन्होंने मना कर दिया, बाद में दिलाएंगे। लड़की ने गुस्से में आकर घर में रखी चूहा मार दवा खा ली। सुनिए लड़की की बड़ी माँ क्या कुछ कह रही है। किस क्लास में पढ़ती है? 12वीं पढ़ती है। नई और ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।